Zing. अगर मुंबई की एक इंग्लिश डेली की माने तो प्रियंका चोपड़ा यशराज बैनर से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने प्रियंका से वादा किया था कि उनकी अगली फिल्म में वो प्रियंका को जरूर कास्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट अब इनकी फिल्म्स में कटरीना कैफ और न्यूकमर अनुष्का शर्मा नजर आ रही हैं और इस बात से प्रियंका काफी अपसेट है। जॉन अब्राहम को उनकी फिल्म फोर्स के कुछ एक्शन सीन्स और पोस्टर शूट के लिए बल्की दिखना था और इस लुक को पाने के लिए जॉन ने हाई प्रोटीन डाइट स्ट्रिक्टली फॉलो किया और 3 दिनों तक वो सॉल्ट और वाटर से दूर रहे। जॉन की ये डेडिकेशन देखकर प्रोड्यूसर विपुल शाह काफी इम्प्रेस हुए। कंगना रनौत के एक्स बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने ये खबर फैलाई थी कि उन्होंने एक पार्टी में पेरिस हिल्टन से कंगना को मिलाया था, जो कि कंगना की माने तो सरासर झूठ है। कंगना ने ये भी क्लियर किया कि वो पेरिस हिल्टन फैशन की इंडियन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है और ये सारे बेसलेस रूमर्स हैं। ये खबर तो हमने आपको दी ही थी कि अमिताभ बच्चन हॉलीवुड फिल्म द ग्रेट गैट्सबी में एक स्पेशल अपीयरेंस दे रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बिग बी इस फिल्म के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे। फरहान अख्तर ने उनकी डायरेक्टरल फिल्म डॉन 2 के सॉन्ग्स की एडिटिंग करने के लिए रितेश सोनी को ऑन बोर्ड ले लिया है। दरअसल रितेश ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के सॉन्ग्स की एडिटिंग इतनी खूबसूरती से की थी कि फरहान ने डॉन 2 के लिए रितेश को अप्रोच किया।